हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने जो है आपको इसके पीछे की क्लास में कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप तथा अध्ययन प्रगत सिद्धांत पढ़ाया था। और यदि आपने इसके पहले पीछे की क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी जो कि नाम है उसका फिजिक्स क्लास 12th। वहाँ से आप अपनी जो है पीछे की सभी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास क्या है? आज की हमारी क्लास है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, यानी कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि वैद्युत बल क्या होता है ये पढ़े आप, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये आप कक्षा 11वीं में पढ़े हैं। तो इन दोनों में हमें अब ये देखना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों में डिफरेंस है, यानी कैसे इनकी जो है कंपेरिजन क्या होती है तुलना। तो हम आगे इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, और इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आपके समझ में आए कोई भी टॉपिक यदि आपको समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात हम आपसे और कहेंगे कि यदि आप वीडियो को बीच बीच से देखते हैं तो आप वीडियो को क्या कीजिए, शुरू से एक तरफ से देखते चलिए, तभी आपको यह समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, अन्यथा देखेंगे भागेंगे, कोई फ़ायदा नहीं उससे क्लास अटेंड करने का। तो यदि आप सीखना ही चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से देखा कीजिए, अन्यथा देखा ही नहीं कीजिए। तो देखिए आगे हम इसको देखते हैं कि आखिरकार वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना क्या है और इनमें क्या अंतर है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की तुलना उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकते हैं। किससे? कि जो वस्तुएं होती हैं और जो उन वस्तुओं में वैद्युत बल भी लगता है और उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, तो हम उनके बीच क्या कर सकते हैं, वैद्युत बल की तुलना उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकते हैं। ये दोनों बल एक जैसे नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। अब ये दोनों नियम एक जैसे बल से कार्य करते हैं ये क्या है, बात समझिए ध्यान से। क्योंकि जो न्यूटन वैज्ञानिक आए थे उन्होंने भी बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, और क्या होता है, बल के समानुपाती होता है, यानी दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल बल के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, उन्होंने ऐसा बताया था। और इसी तरह कूलम्ब आए, कूलम्ब ने भी क्या बताया कि दो आवेश, दोनों आवेशों के गुणनफल किनके बराबर होता है, किनके समानुपाती होता है, वो होता है आपका दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। यानी दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये दोनों एक जैसे। और कूलम्ब ने आगे क्या बात बताई, उन्होंने ये बताया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही बात न्यूटन ने भी बताई, क्या बताई कि जो द्रव्यमान है उन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बातें उन्होंने बताई, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं कि ये दोनों बल एक जैसे नियमों के अनुसार कार्य करते हैं तथा दोनों ही निर्वात में भी क्रियाशील रहते हैं, परंतु इन दोनों में कुछ अंतर भी है। दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे कार्य करते हैं, लेकिन कुछ इनमें क्या है, अंतर भी है। तो हम उन अंतरों को देख लेते हैं कि आखिरकार इनमें क्या अंतर है, और यही टॉपिक भी है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, और इसी को आप कहते हैं क्या कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो देखिए पहला अंतर इसमें यह है कि वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया वैद्युत बल क्या होता है तो आप क्या बताएं कि वैद्युत बल आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। ये बात आप कक्षा 11वीं में पढ़े हैं, 11वीं में आपने पढ़ा है और अच्छी तरह से पढ़ा है। और आगे देखिए, आगे है कि जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। अब देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो मात्र क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, न कि प्रतिकर्षित कर सकता है। कि आपने कभी देखा कि हमें उठा के हम मान लो कहीं ऊपर से गिरते हैं तो उड़ते ही रहें, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रतिकर्षित करना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल मात्र क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, आकर्षण बल ही है। लेकिन जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल में क्या होता है कि हम कभी कभी बिजली से चिपक भी जाते हैं, यानी उससे जो है अटैच हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं,
और कभी कभी क्या हो जाता है हमारे साथ, प्रतिकर्षित भी हो जाते हैं। जब हमारे बॉडी में करंट लग जाता है तो हम क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हमारे और करंट के बीच में जो हमने तार पकड़ लिया है, उस तार के और हमारे बीच में क्या लगने लगता है, वहां पे हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए हम क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं या हमें झटका लग जाता है। और जब हम चिपक जाते हैं तो वहां पे आकर्षण बल होता है। तो मतलब क्या कि पहला अंतर यह है दोनों बलों में कि वैद्युत बल क्या होगा, आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो मात्र क्या है, आकर्षण ही है। इससे यह पता चलता है कि आवेश दो प्रकार का हो सकता है। ये बात आपको हमने पहली क्लास में पढ़ाई थी कि आवेश कितने टाइप का होता है। आवेश आपका दो टाइप का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश क्या था ये बात हमने बताई, और नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो धनावेश आता है उस वस्तु पे, और यदि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं कहीं से उसको, तो क्या होगा, वह उसमें आएगा ऋण आवेश ही। तो ये आपके क्या थे, दो तरह के आवेश थे। तो यही यहाँ पे बात लिखी गई कि इससे हमें यह पता चलता है कि आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है, यानी इसका कोई दूसरा टाइप नहीं है। वो पहला पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है कि क्या याद रखना है कि वैद्युत बल आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या रहेगा, हमेशा आकर्षण बल ही रहेगा। पहली कंपेरिजन इसकी ये है। और देखिए दूसरी कंपेरिजन ये है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कि जो जिस बल के बारे में कुलाम चच्चा ने बताया वो किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है उस माध्यम पे। अब माध्यम कैसे, हमने आपको पढ़ाया कुलाम के नियम में कि जब वो दोनों आवेश माध्यम में रखे हैं या फिर दोनों आवेश हवा में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, वो माध्यम है, तो वो किस पे निर्भर करता है, वैद्युत बल। वैद्युत बल निर्भर करता है माध्यम पे कि आखिरकार कैसा माध्यम है। माध्यमों के बारे में हमने खूब अच्छी तरह आपको शायद तीसरी क्लास में समझाया है, और यदि आपने नहीं समझा है, नहीं देखा वो क्लास, तो आप क्या कीजिए, उन क्लासों को पहले अटेंड कर लीजिए। फिर देखिए जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यदि आपसे कोई पूछ ले कि क्या द्रव्यमान जो है, यानी कि जो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो किसी माध्यम पर निर्भर करता है, वो निर्भर नहीं करता है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। और देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होते हैं। अब देखिए वैद्युत बल क्या है, वैद्युत बल जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल है, यानी कठोर है। कठोर का मतलब आगे समझा रहे हैं आपको। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हमने कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10^36 गुना बड़ा होता है, और यदि हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच देखें तो यह और भी अधिक, अर्थात 10^43 गुना बड़ा होता है। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि हमारा वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है, और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, वैद्युत बल से कम है। तो हमें लग रहा है कि आपको ये तीनों पॉइंट, यानी कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना आपको समझ में आई, यानी ये तीनों पॉइंट आपके समझ में आए। और यदि आए हैं तो आपको क्या करना है, बाद में इस वीडियो को लाइक करके जाना है, और नहीं आए हैं तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए तो आ जाएंगे। और देखिए आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है आपका। अगला टॉपिक है आपका है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब जो ये टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से कि आपका जो लेसन था कुलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, तो अभी तक जितनी चीज़ें आपने पढ़ा वो सब किसके बारे में पढ़ा, कुलाम के नियम के बारे में पढ़ा, ये सब बल पढ़े पूरा उसके बारे में पढ़ा। अब यहाँ से आपका उसी लेसन के अंतर्गत दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, क्या है वो, वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, कैसे काम करता है ये सब, और वैद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या होती हैं, कि आखिरकार ये जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो कैसे होता है, जिसके बारे में हमें आप आगे जो है पढ़ना है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र आखिरकार क्या है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि क्या, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा
वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा रुकना है और हम आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए परिभाषा आपकी क्या लिखी है, इससे छोटी परिभाषा आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। क्या रखना है आपको, इसको ध्यान रखना है, अभी हम आपको समझाई दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्या रहा है कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। देखिए सबसे पहले ये एक आवेश है, ये क्या है, एक आवेश है। अब इस आवेश के या फिर इस आवेश के चारों ओर का, ये तो लिखा कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब इसके चारों ओर मतलब क्या हुआ, इसके चारों ओर एक घेरा बना, ये एक वृत्त बना, यही तो हुआ बात कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का। अब देखिए यहाँ पे एक क्या लाया जाता है, यहाँ पर हम एक धन परीक्षण आवेश लाते हैं जो क्या करता है, इस आवेश के द्वारा अपने ऊपर क्या करता है, बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। आपको क्या रखना है, याद रखना है कि आखिरकार वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि जब एक आवेश होता है या फिर एक आवेश का समुदाय होता है जिसके चारों ओर का क्षेत्र होता है, अब जब उस पर कोई एक अन्य आवेश रख दिया जाता है और फिर वो आवेश क्या करता है, अपने ऊपर आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या फिर वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि किसी वैद्युत आवेश या फिर आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यानी कि एक क्षेत्र है, ये वृत्त बनाया उस पर एक आवेश है, अब जब वो आवेश है और एक दूसरा आवेश आता है जिसका नाम है धन परीक्षण आवेश, क्यों नॉट से लिखते हैं इसको, अभी इसकी परिभाषा भी हमें आगे देखनी है। तो जब ये आवेश धन परीक्षण आवेश क्या करता है, अपने ऊपर आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वैद्युत क्षेत्र बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो फिर से हम वही आपसे कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, इस वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, तो आपको ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा और ये जो हमने समझाया वो बढ़िया समझ में आएगा आपको। और आगे देखते हैं आगे क्या है आखिरकार। देखिए आगे टॉपिक हमारा क्या लगा है, यहाँ पे हमारा टॉपिक लगा है कि वैद्युत बल रेखाएं, कि आखिरकार ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र था ना, ये किसके कारण चलता है, ये चलता है वैद्युत बल रेखाओं के कारण। वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं होती हैं। तो बल रेखाएं आखिरकार क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं, इनको हम जान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र आपको समझ में आया, और यदि आया है तो आप क्या कीजिएगा, अपने मित्रों को, आस पास पड़ोस के मित्रों को, अपने कोचिंग के मित्रों को, अपने स्कूल के मित्रों को, सबको बताना है कि हमारी फिजिक्स की क्लास कहाँ चल रही है, माई आइडियल क्लास यूट्यूब चैनल पे क्या चल रही है, शुरू से चल रही हैं, और शायद फरवरी से जो अगली क्लासें आने वाली हैं आपकी, शायद फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों की आएंगी, तो आप क्या किए रहिए, तैयारी किए रहिए, और हम आपके लिए यहाँ से मेहनत करते चल रहे हैं और आपके लिए वीडियो यहाँ पे से क्या कर रहे हैं, अपलोड करते चल रहे हैं, तो आपको भी हमारी मदद करनी है और हम आपकी मदद करते रहेंगे। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या है, देखिए पहला पॉइंट हमने लिखा, क्या लिखा कि धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से त्रिज्य प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं। अभी आपके ये बात समझ में नहीं आई तो परेशान न होइए, रुकिए, भगिए नहीं, ठहरिए थोड़ा सा, हमें मौका दीजिए। देखिए अब देखिए क्या कह रहा कि धन आवेश के कारण, धन आवेश यहाँ पे ये तो आपको दिख रहा है ना चित्र पे, वैद्युत बल रेखाएं, अब ये जो निकल रही हैं यहाँ से ये आपकी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, ये जो तीर टाइप के निकले हुए हैं ये आपकी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या है, जो गोला बन रहा था वैद्युत क्षेत्र में इस तरह का, तो यहाँ से क्या निकल रही थी, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही थी, तभी ये एक घेरा बना हुआ जिसके कारण दूसरा आवेश क्या करेगा, अपने ऊपर आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है।
तो देखिए अब आगे देखते हैं कि धन आवेश से त्रिज प्रारंभ होकर, अब देखिए ध्यान से, अगर आपका धन आवेश है, वो क्या है धन आवेश है, तो इससे क्या होती है, इससे बल रेखाएं निकलती हैं और कहां जाती है, अनंत पे जाती है। जो तीर लगा हुआ है ना रेड कलर का, ये ऐसे बता रहा कि अंदर से निकली है, यानी प्लस से निकली है, और कहां भागी जा रही है, ये जा रही है अनंत पर। अनंत का मतलब ये होता है उनका कोई अंत नहीं, कि कहां कहां तक चली जाए। अब ये डिपेंड करता है किस पे, उस माध्यम पे, कि माध्यम कितना सक्षम वाला है। अभी आप वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आया, और यदि आया है तो क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, एक ठो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ रहा है। जो वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश होता है, जब किसी एक क्षेत्र में आवेश होता है, कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, तो उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं, यानी कहाँ समाप्त होती हैं, ये अनंत पर समाप्त होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, और दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कि दूसरा पॉइंट कहता है कि ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आरंभ होकर ऋण आवेश पर त्रिज्य समाप्त होती हैं। सेम उसका उल्टा देखिए चित्र से हम समझा रहे हैं। देखिए चित्र में क्या कहता है कि ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर, अब देखिए धन में क्या था कि धन से निकलती थी और अनंत तक जाती थी। अब ऋण में क्या है कि जब ऋण आवेश होता है तो अनंत से बल रेखाएं आती हैं और ऋण पे समाप्त होती हैं। अब ये जो रेड लाइन लगी हुई है ऐसे ऐसे करके, ये क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, और ये तीर क्या बता रहा है कि अनंत से इस तरह आ रही हैं, ऐसे अब बाहर से आ रही हैं, और कहाँ समाप्त हो रही हैं, रेड आवेश पर समाप्त हो रही हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए कि रेड आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं, मतलब अनंत से आती हैं, और रेड आवेश पर त्रिज्य समाप्त होती हैं। धन में क्या था कि धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से आरंभ होकर कहां अनंत पर त्रिज्य समाप्त होती हैं। तो दो पॉइंट आपको समझ में आए तो बढ़िया। देखिए अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। तब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट में लिखा कि दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान लंबाई की दिशा में एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अभी हमने आपको पीछे जब आवेश पढ़ाए थे तो क्या पढ़ाए थे पीछे की क्लासों में, कि जो आपका आवेश होता है, आवेश जब समान होगा तो क्या लगेगा, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि असमान होगा यानी विपरीत होगा तो उनके बीच आकर्षण लगेगा। वही बात यहाँ पे आई कि दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण, अब दो समान आवेश कब होंगे ये हमने पीछे आपको समझाया है, क्या कि या तो दोनों धन धन हो जाए या फिर दोनों ऋण ऋण हो जाए। तो कहता है कि दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान, अब देखिए धन से क्या बताया कि धन से निकलती हैं, धन से निकलती है ना वैद्युत बल रेखाएं, तो देखिए ये जो पतली सी ब्लैक सी लाइन है ये ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकल के ऐसे लचकदार डोरी के समान ऐसे चलती हैं, और कहाँ से प्लस से निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, अनंत की तरफ जा रही हैं। इसी तरह इस वाले आवेश में भी है, अब दोनों क्या करें एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है ना, क्योंकि एक तरह के आवेश है, दोनों समान आवेश की प्रकृतियों में होता है ये, कि वो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से दूर भाग रही है। देखिए एक इस तरफ जा रही है अपनी तरफ अलाइन में जा रही है अपनी तरफ जा रही है, और एक देखिए अपनी तरफ जा रही है, कह रही मैं भैया तुम्हारे पास ना आ पाऊंगी। तो ये क्या है, ये ऐसे निकलती हैं, मतलब धन से निकलती हैं, और कहाँ जा रही हैं, ये अनंत पे जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों आवेश क्या हैं एक समान है, और इसके कारण क्या होता है इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसलिए ये दोनों से निकली हुई बल रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान जा रही हैं, कहाँ जाएंगी अनंत तक जाएंगी। इसी तरह ये ऋण वाले में है, कि अब ऋण वाले में क्या बताया पीछे आपको दूसरे पॉइंट में, कि क्या पता है कि भैया अनंत से आती हैं, ऐसे आएंगी कहाँ समाप्त होंगी
ये समाप्त होंगी रेड पे ऐसे इसी तरह। ये आई एक ही जगह से थोड़ी आ रही है, ये इस तरफ से भी आ रही है इस वाले अवेश में। तो ये तीसरा पॉइंट क्या करना है आपको, तीसरा पॉइंट भी याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उन दोनों आवेशों के कारण जो एक जैसे हैं, चाहे ऋण ऋण हो और चाहे धन धन हो, उनके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लचकदार डोरी के समान लंबाई की दिशा में एक दूसरे से दूर भागने का क्या करती है, प्रयास करती हैं। मतलब एक दूसरे के नजदीक नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान लंबाई की दिशा में एक दूसरे से मिलने का प्रयास करती हैं। सेम उसका अपोजिट है कि जब दोनों समान थे आवेश तो दूर भाग रहे थे, और जब दोनों असमान होंगे यानी विपरीत होंगे तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे, मिलने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या होगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि विपरीत आवेश में आकर्षण बल का कार्य करता है। क्या होता है, जब दोनों असमान आवेश होते हैं तो उनके बीच क्या लगता है, उनके बीच आकर्षण बल लगता है। अब क्या होता है जब दोनों आवेश अलग अलग हैं, जब दोनों अलग अलग हैं तो यही बल रेखाएं क्या करती हैं, लचकदार डोरी के समान लंबाई की दिशा में एक दूसरे से मिलने का प्रयास करती हैं, यानी आपस में क्या करती हैं, मिल जाती हैं। देखिए डायग्राम में, देखिए फिगर में कैसे है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये धन है और ये क्या है, ये ऋण है, यानी दोनों आवेश क्या है, असमान है, विपरीत है। अब देखिए धन से विद्युत बल रेखा निकली है इस तरह, ये तीर बता रहा कि निकल रही है ऐसे निकल के ऐसे। ऋण में क्या है कि ऋण में देखिए क्या है कि ये अनंत से आती है, तो जैसे यहाँ से ये पहुँचती है और वहाँ से उसकी आती हुई मिलती है, दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, इस तरह मिल जाती हैं, ऐसे ऐसे मिल जाती हैं। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब दोनों आवेश क्या होंगे, जब दोनों आवेश अलग अलग होंगे तो लचकदार डोरी के समान लंबाई की दिशा में एक दूसरे से मिलने का प्रयास करेंगी। कब, जब दोनों आवेश क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये क्या है, ये विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, ये चौथा गुण धर्म था इनका। आगे देखिए, और देखिए पांचवा पॉइंट क्या है कि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती बल्कि खुला वक्र बनाती हैं। अब खुला वक्र समझ लीजिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे एक आवेश प्लस है और यहाँ पे एक आवेश माइनस है, इसी डायग्राम में है। अब जैसे मानिए इससे क्या होती है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, इससे निकलेंगी और किस पे समाप्त होंगी, ऋण पे समाप्त होंगी। तो ये तो हमें बात पता चल गई कि इस पे समाप्त हुई, ऐसे निकली इस पे समाप्त हुई। लेकिन देखिए तरह क्या है, नीचे क्या है, नीचे देखिए खुला पड़ा हुआ। अब जैसे मानिए यहाँ से निकली ऋण से, तो ऋण से तो निकलती नहीं है, क्या होता है कि भैया ये कहीं से आएंगी ऋण पे क्या होंगी, विलीन होंगी, और धन से निकलेंगी। तो ये मात्र क्या करेगा, एक बार या तो इस तरफ चला जाएगा निकल के तो ऊपर खुला रह जाएगा, अगर ऊपर चला जाएगा एक बार तो देखिए नीचे खुला रह जाएगा, ऐसे ये देखिए। तो क्या है, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों आवेशों के कारण जो बल रेखाएं निकलती हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती बल्कि कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। सॉरी बेटा जी, यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग करने में गलती हुई है, यहाँ पे वक्र लिखा हुआ है, ये गलत है। और देखिए छठवां पॉइंट क्या है कि जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं तो वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, तथा जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। अब ये बात समझिए, फिर से चित्र दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए जहां पर पास पास होगा, जहां पर एक समान विद्युत बल रेखाएं होंगी, क्या होंगी, जब एक समान विद्युत बल रेखाएं होंगी, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, एक जैसी होंगी, तो क्या होगा वहां पे आपका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा, यानी कैसा होगा, प्रबल होगा। उसे क्या कहेंगे आप, उसे आप कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। जब एक समान विद्युत बल रेखाएं होंगी तो उसे आप क्या कहेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे, यानी कि जो बढ़िया होंगी, पास पास होंगी, ना ज्यादा दूर होंगी ना ज्यादा पास होंगी, बराबर होंगी, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, उसे आप क्या कहेंगे, ऐसी बल रेखाएं जब निकलेंगी तो ऐसे क्षेत्र को आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र।
और वहाँ पे क्या होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा। और जब आपकी क्षेत्र से निकली हुई वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, दूर दूर होंगी, छोटी बड़ी होंगी, तिरछा मिर्छा होंगी, तो फिर वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। और उसे क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे उसे, बोलेंगे आप असमान वैद्युत क्षेत्र। इस तरह से देखिए एक लाइन सीधी गई है, ये दोनों लाइनें देखिए तिरछा जा रही हैं, अपने अपने रास्ते जा रही हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी असमान वैद्युत क्षेत्र। इस पे क्या लिखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगर आपसे कोई पूछने भी लगे ना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप बता दीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर बल, वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, एक समान होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जब आपसे कोई पूछे कि असमान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ध्यान दिए रहिएगा क्या, कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उनके बीच का जो वैद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, दुर्बल होता है। अब देखिए एक पॉइंट और बचा शायद, क्या कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश की संख्या के समानुपाती होता है। यहाँ पर भी मिस्टेक है टाइपिंग करने में। तो मतलब क्या कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है, तो कह देना हाँ। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वैद्युत आवेश होगा, जितना प्रबल आपका वैद्युत आवेश होगा, उतनी ज़्यादा उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। यदि आपका वैद्युत आवेश कमज़ोर है, कम है, तो वहाँ से वैद्युत बल रेखाएं कम निकलेंगी। इसलिए ये पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो आवेश की मात्रा के समानुपाती है। मतलब आवेश कम होगा तो वैद्युत बल रेखाएं कम निकलेंगी। और देखिए एक पॉइंट और बचा हुआ है, देखिए एक पॉइंट और बचा है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब देखिए वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देखिए उस पॉइंट को आप यहाँ पे इस डायग्राम में समझ लीजिए। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं ना, ये भी क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अगर आप इनमें से किसी एक पर भी क्या खींच दें, किसी भी तरफ क्या खींच दें, एक स्पर्श रेखा खींच दें, यही है ना स्पर्श रेखा, तो ये क्या बताएगी, ये आपके वैद्युत क्षेत्र को बताएगी। क्या बताएगी, वैद्युत क्षेत्र को बताएगी। मानी यदि आप यहाँ से खींच रहे हैं ऐसे, तो फिर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। अगर मान लीजिए आप इस तरफ खींच रहे हैं ऐसे, तो फिर इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। तो इस उस पॉइंट का मतलब ये है कि आप वैद्युत बल रेखाओं में यदि किसी भी स्पर्श रेखा को किसी भी बिंदु से खींच देते हैं, तो वो रेखा क्या बताएगी आपकी, वो बताएगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो बेटा जी, अभी हमने आपसे क्या कहा था कि हम जो है आगे आपको क्या बताने वाले हैं कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। अभी वैसे देखा जाए तो हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने से पहले हम आपको क्या बता दे रहे कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। तो अगर हमें धन परीक्षण आवेश के बारे में पहले से पता चल जाएगा, तो हमें तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें कुछ और अच्छी तरह समझ में आएगी। और यदि आप चाहें तो इस हेडिंग को जो है आप कहाँ लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद भी लिख सकते हैं। आपको जैसा करना हो वैसा कर लीजिएगा, और लेकिन हम यहाँ पे पहले करा दे रहे हैं कि आखिरकार धन परीक्षण क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो आप परेशान ना होइए, हम आपको समझा रहे हैं कि ये क्या होता है। देखिए परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है। क्या है ये एक बिल्कुल अल्प है, बिल्कुल छोटा सा क्या है, बिंदु आवेश है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि धन परीक्षण आवेश क्या है, तो बता देना ये एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है। क्या नाम ही से देखिए पता चल रहा है बेचारे के कि मैं क्या हूँ, धन परीक्षण आवेश, धन हूँ मैं। तो कैसा है वो, बिल्कुल छोटा सा धन बिंदु आवेश है, वो धन बिंदु आवेश है, बिल्कुल छोटा सा, बहुत छोटा है वो, जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है।
अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि क्या धन परीक्षण अब इसका कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यह क्या करता है किसी दूसरे के क्षेत्र पर जाता है और उसके आवेश के बल को अपने ऊपर क्या करता है अनुभव करता है, इसका काम ही यही है। तो मतलब क्या कि यह क्या है, यह अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको ही जरूरत पड़ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश रख देंगे तो उस आवेश के क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह क्या है, यह एक कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है, ये वास्तविक नहीं है बल्कि कैसा है, ये एक कल्पित आवेश है, कल्पित है वास्तविक नहीं है। कल्पित का मतलब ये होता है कल्पना किया हुआ आवेश है, मतलब ये ओरिजिनल में ये आवेश होता नहीं है। मान मात्र क्या किया जाता है, मान लिया जाता है कि यहाँ पे क्या है एक बिंदु आवेश आया है, कैसा धन परीक्षण आवेश, मात्र क्या कर लिया जाता है कि इस बिंदु पे क्या बैठा है एक धन परीक्षण आवेश बैठा हुआ है। तो कल्पना है ये एक वैज्ञानिक की कि यहाँ पे क्या है इस क्षेत्र पे एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, बल्कि ये ओरिजिनल में होता नहीं है। तो ध्यान रखना है कि धन परीक्षण आवेश क्या है, धन परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने से उस वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह क्या है, ये एक कल्पित आवेश है, इस ये वास्तविक आवेश नहीं है। इसे किसे डिनोट करते हैं, इसे हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से क्या करते हैं दर्शाते हैं। जिस तरह आप आवेश को क्यू से दर्शाते हैं उसी तरह आप धन परीक्षण आवेश को किसे दर्शाएंगे, क्यू नॉट से दर्शाएंगे। आप जब भी किसी के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसको तुरंत पकड़ के लाएंगे। तो अब हम अगला टॉपिक जो आएगा आपका उसमें क्या पढ़ेंगे, अभी इसी का एक टॉपिक बचा हुआ है, क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ेंगे पहले, उसकी विमा पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना सीखेंगे कि आखिरकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें, कि ये अभी आगे जो है सीखेंगे। तो अभी क्या करना है, अभी हम यहीं पर क्लास को रोक रहे हैं और अब जब अगली क्लास आएगी तो क्या सीखेंगे, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़ेंगे अपना जो है डेरिवेशंस। तो आज के लिए इतना ही और अगली क्लास में अब हम अगला टॉपिक लाएंगे। तो यदि आपको ये इतने टॉपिक समझ में आए हैं तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए।